हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है यानी PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप कैसे बना सकते हैं खुद से, वो भी मात्र 50 रुपये में। तो आइए दोस्तों, आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद उसमें लिखना है UPCOP। लिखने के बाद आपको सर्च करना है, ये एप्लीकेशन आएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्त आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्त आप यहाँ पर जो सर्विस देख रहे हैं इसके ऊपर आप नीचे क्लिक करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन अप करना होगा। तो साइन अप के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है, फिर उसके बाद आप मेल हैं फीमेल हैं तो वो चीज़ डालना है, तो मेल, फिर उसके बाद अपना ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड। फिर कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्त आपको वेरीफाई के लिए एक जो है कि OTP आएगा, उस OTP को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्त ये आपका जो कि सबमिट हो गया यानी आपका अकाउंट बन गया। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड या OTP डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप फिर से दोस्त सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जनरल रहेगा यानी सेल्फ यानी अपना खुद का बना रहे हैं तो जो कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा। बस आपको आगे अपने पिताजी का नाम डालना है। फिर उसके बाद अपना आधार कार्ड से जो आपका उम्र हो रहा है जैसे 30 साल 32 साल जो भी है वो डाल देना है। फिर उसके बाद जेंडर में मेल डालना है। फिर उसके बाद अपने गांव का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है और आपका जो थाना है वो डालना है। फिर उसके बाद अपना एज डालकर फिर उसके बाद फ़ोटो पर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद और ये जो ऑप्शन एक और आ रहा है वहाँ पर आपको नो ही रहने देना है, क्योंकि अगर आपके नाम से कोई थाने में केस वगैरह है तब यस करना, नहीं तो नो ही रहने देना है। पूरा डिटेल्स भरने के बाद दोस्त आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है, जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपके पिताजी का नाम और आपका एज, मेल, गांव, जिला, फिर उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन, नीचे आप जब से रह रहे हैं तब से डेट और मंथ दोनों डालना है, एज और मंथ दोनों डालना है। उसके बाद आपको नो पे क्लिक करना है, फ़ोटो अपलोड करना, फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्त आपके पास जो कि एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा यानी ऊपर मैसेज भी आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आपके सामने एक पोर्टल खुलेगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्त फिर से इसको क्लोज करना है। फिर आगे जो है कि यहाँ पर प्रोसीड विथ पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, SBI नेट बैंकिंग या अदर नेट बैंकिंग या कोई डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके ज़रिए करना चाहते हैं तो भी ऑप्शन है। मैं तो UPI सिलेक्ट किया हूँ। UPI सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है और QR कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आपको इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको जो है कि डायरेक्ट बैंक आना है। बैंक आने के बाद दोस्त आपको अपना फ़ोनपे खोलना है। फ़ोनपे खोलने के बाद आपको जो QR स्कैनर होता है ऊपर, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको सीधा ऊपर फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है और वो फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे तो तुरंत आपके सामने 50 रुपये आ जाएगा। फिर अपना जो कि पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद दोस्त आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट हो गया है। फिर आपको जो है कि अपना बैक करके यानी डायरेक्ट बीच से काट के साइड करके इसको यहाँ पर कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कि ओके कर देना है, ये मेरा सक्सेसफुल हो गया। ये सक्सेसफुल नीचे क्लिक हेयर लिखा है उसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्त ये देख सकते हैं कि डाउनलोड जो कि रिसिप्ट है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का रिसिप्ट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट चालान रिसिप्ट। तो इसको जो कि डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट करके आप अपने पास रख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्त आप नीचे यहाँ पर जाएंगे जो सर्च या सर्विस स्टेटस है उसके ऊपर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अपना
2024 डालेंगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। मैं एक बार किया था तो फेल हो गया था, दोबारा किया हूँ तो देखिए जो है कि हो गया है। तो इस तरीके से आपका स्टेटस दिखाएगा। फिर कुछ दिन बाद आपके पास जो है कि आपके थाने पर से फ़ोन आएगा, और फ़ोन आने के बाद आपको वहाँ पर जाना होगा, वेरीफाई करना होगा, सिग्नेचर वगैरह करना होगा, तब जाकर जो कि आपका पीसीसी कुछ दिनों के अंदर आपके घर पर बनकर आ जाएगा। बाकी दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। बाकी आपको कहीं पर कोई भी चीज़ ऐसा हो जो न समझ में आए हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।